कुछ कुछ देर की खामोशी है, फिर शोर आएगा, अभी कुत्तों का वक्त है, हमारा दौर आएगा। इसका मतलब ये वाला बात बोलना एक आतंकी हो गया, मतलब दिस इज अ टेररिस्ट एक्ट। भड़काऊ भाषा में तो भाई टी राजा सिंह क्या करता है, वो खुलेआम माँ बहन को गाली देता है, मुसलमानों को गाली देता है। साध्वी प्रज्ञा बोली थी कि तलवार में धार रखो, छुरी में धार रखो, कपिल मिश्रा गाली दे रहा है। उसके बाद रमेश भदौरी ने क्या बोले, कुत्ते डी से गाली दिया, फिर मुल्ले फुरकट में पार्लियामेंट में गाली दे रहा है। अनुराग ठाकुर देश के गद्दारों को गोली मारो, सालों को प्रवेश मारो, बोला था कि शाहीन बाग में जो बैठे इनको उठाओ नहीं तो घर में जाकर रेप करेंगे, तो उन्होंने क्या किया, तो उनके घर में तो इनके पास तो एटीएस नहीं जा रहा, ये आतंकवादी नहीं है। जूनागढ़, गुजरात का जूनागढ़ में 31 जनवरी को एक जुलूस था, जलसा था, जिसके दौरान उन्होंने एक तकरीर किया था। तकरीर में उनका ये नारा था कि लास्ट में एक शेर व शायरी था, जैसे बहुत सारा किसी का कलाम होता है, किसी को शेर व शायरी हम लोग पढ़ते हैं, तो शेर व शायरी में उन्होंने कहा था कि कुछ देर की खामोशी है फिर शोर आएगा, अभी कुत्तों का वक्त है, हमारा दौर आएगा, ऐसा कुछ उन्होंने कहा था, फिर लब्बैक या रसूल अल्लाह का नारा लगाया था। तो इसके बाद उनके ऊपर आईपीसी लगाया गया, आईपीसी 153B, जो दोनों धर्मों के बीच में डिसहार्मनी क्रिएट करने का, और एक तो लगाया 505-2, जो पब्लिक को भड़काने का। ये दो नॉन अवेलेबल सेक्शन में उनके ऊपर FIR किया गया। और उसके बाद गुजरात पुलिस 4 फरवरी को मुंबई आके उनको लेके गई, मुंबई आके ATS एंटी टेरर स्क्वाड ATS आकर उनको गुजरात से मुंबई आने आकर उनको लेके गई गुजरात में वापस। अब मैं आपको बता देता हूँ ATS क्या है, ATS है क्या, अब ATS क्या है, मैं गूगल से पूछता हूँ कि ATS क्या होता है, ATS का मतलब क्या होता है। अब देखिए गूगल ATS का मतलब क्या बोलता है, गूगल ATS का मतलब बोलते हैं ATS इज अ स्पेशल पुलिस फोर्स दैट प्रिवेंट्स टेररिस्ट एक्ट इन द कंट्री, ATS ऑफिसर आर ट्रेंड टू कॉम्बैट ऑल टाइप्स ऑफ टेररिस्ट अटैक, दिस स्पेशल टीम्स कोलैबोरेट द इंडियन गवर्नमेंट इंटेलिजेंस एजेंसीज रॉ एंड IB। इसका मतलब है कि कुछ देर की खामोशी है, अभी कुछ देर की खामोशी है, फिर शोर आएगा, इसका मतलब ये वाला बात बोलना एक आतंकी हो गया, मतलब दिस इज अ टेररिस्ट एक्ट। ये बात बोलो तो आपने जो रॉ IB का काम करता, जो पाकिस्तान से यहाँ वहां से जो देश के लिए खतरा होता है, उन लोगों को पर जो 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 टीम काम करती है, जो एजेंसीज काम करती है, उनको आप उस ATS आकर उसको उठा के लेकर गया। अब मैं बताता हूँ कि अगर ये वाला बात तुम बोलोगे कि भड़काऊ भाषा में, तो भाई टी राजा सिंह क्या करता है, वो खुलेआम माँ बहन को गाली देता है, मुसलमानों को गाली देता है। उसके बाद अगर मैं बात करूं, मैं सब करना, साध्वी प्रज्ञा क्या बोली थी, वो साध्वी प्रज्ञा बोली थी कि तलवार में धार रखो, छुरी में धार रखो, कपिल मिश्रा गाली दे रहा है। उसके बाद रमेश भदौरी ने क्या बोले, कुत्ते डी से गाली दिया, फिर मुल्ले फुरकट में पार्लियामेंट में गाली दे रहा है। अनुराग ठाकुर देश के गद्दारों को गोली मारो, सालों को प्रवेश मारो, बोला था कि शाहीन बाग में जो बैठे इनको उठाओ नहीं तो घर में जाकर रेप करेंगे, तो उन्होंने क्या किया, तो उनके घर में तो ATS ने, गिरिराज सिंह आए दिन मुसलमानों को पाकिस्तान भेज रहे। उसका नुपुर शर्मा, यति नरसिंहन, सुगंधा नाली का कीड़ा, वो क्या नबी का शान में गाली देता है। उसके सुरेश चौहान के क्या बोलते हैं, आईपीएस ऑफिसर जो सेंट्रल गवर्नमेंट का होता है, जो देश चलाता है, उसको बोलते हैं आईपीएस जिहाद। इनके पास तो ATS नहीं जा रहा, ये आतंकवादी नहीं है, इनको तुम आतंकवादी नहीं दिखते। मैं आपको, ये आतंकवादी नहीं है, ये भड़का नहीं रहे। सलमान हजारी साहब जब मुसलमानों को बेदार करने का काम करते हैं, अगर मुसलमानों को जगाने का काम करते हैं, मुसलमानों को मोटिवेट करने वाला कोई कौन है, अगर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का शाम में कोई गुस्ताई करता है, ये वक्त के फिरौन, वक्त के यजीद, वक्त के जो दज्जाल जो है, जो गोदी मीडिया, और दिल में नालन, सीने में नालन मुबारक रख कर नालन मुबारक को हिफाजत करने वाला का मर्द मुजाहिद का नाम है सलमान हजारी साहब। और आज अब तुम उसका अरेस्ट करोगे, तुमने हमारा मस्जिद को तोड़ कर मंदिर बना दिया, ज्ञान बाबरी मस्जिद चले गई, ज्ञान बाबरी जाने की कदार पे, अब हमारा उसके मेहरौली में 800 साल पुराना मस्जिद को तोड़ दिया, तुमने कबर को तोड़ दिया, तुमने कुरान शरीफ हटाने का हमको मौका नहीं दिया, और आज तुम हमारे आलिम उलमा को बयान करने से रोकोगे, और आज मुसलमान कुछ नहीं बोलेगा, हम खामोश रह जाएंगे, हम इसलिए चुप रहेंगे, नहीं भैया कुछ हमारे घर पर बात नहीं आ रही है। कहां गया वो मुसलमान, आज वो एक कह रहा है कि अजमेर शरीफ में मंदिर था, तो हम ये बर्दाश्त करते रहेंगे, सब जगह तुम्हारा मर्दी मंदिर था, हथियार उठा के रास्ते पर आ जाए। मैंने कब कहा कि मुसलमान हथियार उठा के रास्ते पर आ जाए, मैंने तो एक बार भी नहीं कहा, मैंने कब कहा, ये एक बात बताइए ना, संवैधानिक तरीके से आप आंदोलन करो, प्रोटेस्ट करो, सड़क में आओ, सड़क में आने का बाद, सड़क में आने का मतलब ये नहीं कि आप दंगा करो। आप एक बात बताइए, अगर वो भड़काऊ भाषण देते, बताइए कितना मुसलमान सड़क में आके उनके लिए लड़ाई की है, कितना मुसलमान सलमान हजरी का नाम लेकर आके भड़के। अगर आप बोलते सलमान हजरी भड़काते, तो कितना मुसलमान भड़के, बताइए ना, कितना दंगे किया आप हमको, बताइए ना सलमान हजरी साहब।
बता दे रहे बागेश्वर धाम को एसके मकबूल चैलेंज करता है, एक काम करो अपना जो और कैमरा रिकॉर्डिंग होगा और उसके बाद उसको लाइव होगा, चैलेंज करे तुमको नंगा नहीं कर दिया सलमान हाजरी साहब, मेरा नाम भी एसके मकबूल है, मेरा नाम भी तुम सुअर पाल के रखो। अच्छा वो वहां पे बैठ कर बोलता है कि बुलडोजर लेकर आओ, बुलडोजर चलवा दो, तो वो भड़का नहीं रहे। और हमारे नबी का शान में कोई गाली देगा, हमारे नबी को गाली देगा, कुरान शरीफ से आयत हटाने का बात करेगा, मुसलमान औरतों को गाली देगा, और उसका डिफेंस में जब सलमान हजरी साहब मुफ्ती साहब है, जब वो डिफेंस में आएंगे तो आप बोलते कि भड़का ने उनके सपोर्ट में खड़ो, तो भड़का ने एसके मकबूल एंड तक सलमान हजरी का साथ खड़ा रहेगा। और मैं कहना चाहता हूँ हिंदुस्तान में जितना लोग है, तुम क्या सोचते हो मुंबई से लेकर उनको गुजरात में लेकर चले जाओ तो कुछ नहीं होगा, गुजरात में भी चाहने वाले हैं। और मैं हर मुसलमान से कहना चाहता हूँ जहां जहां सलमान हजरी साहब को जहां लेके जाना है तुम लेके जाओ, हर मुसलमान सड़क में आएगा, तो आपके ऊपर भी एटीएस कार्रवाई करेगा। और आपने क्या कहा भैया कि उनको पर उनको अब उनके एटीएस उठा के लेंगे, उनका क्या होगा? एक बात याद रख लिए, सलमान हजरी साहब कोई पर्ची लिखने वाला का भक्त नहीं है, सलमान हजरी साहब जो है हमारे प्यारे नबी दो जहां का बादशाह हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गुलाम है, उनका फकीर है, उनको कुछ नहीं होने वाला है। अगर उसको तुमको जहां लेके जाना है जाके बंद कर दो उनको, गैब से अल्लाह ताला मदद करेंगे, जरूरत पड़ी इसके मकबूल जान दे देगा अपना सलमान हजरी साहब के लिए। क्यों? क्योंकि सलमान हजरी साहब जो है ना भैया, सलमान हजरी साहब अपना हुजूर का गुलाम है, आज मुसलमानों को जगाने का काम कर रहे, आज तुम हमारे मस्जिद लोगे, आए दिन तुम जुल्म करोगे हम नहीं बोलेंगे, हम आवाज भी नहीं उठाएंगे। किस लिहाज से तुमने सलमान हजरी साहब को उठाया आज बताइए? तुम तो गर्व है सलमान हजरी साहब के ऊपर, भैया नबी का गुलामी करते लब्बा कहते कहते जेल में गए। और आपको एक बात बता देना चाहते हैं, सलमान हजरी साहब पहले से ही बोल दिए थे कि हम जो बात कर रहे हैं हमें जेल जाना पड़ेगा, हमें भी जेल जाना पड़े ना हुजूर का गुलामी करते करते, अपने दीन के लिए अपनी कौम के लिए तो जाएंगे। और आप एक बात याद रखिए, सलमान हजरी साहब को जब मुंबई में रखा गया ना तो भीड़ जा नहीं रही थी, पुलिस से संभाला नहीं जा रहा था, तो सलमान हजरी साहब आकर क्या बोले, देखिए इस्लाम और मुसलमान धर्मगुरु क्या होता है आपको बताते हैं, क्या बोले सलमान हजरी साहब? भड़काए और क्या किए, वो तो नारा लगाकर भड़का, आप भड़क गए, कौन भड़का भैया? आप लोग कोई भड़के सलमान हजरी साहब का वीडियो से? आप लोग कोई भड़के दिखाइए इधर कैमरा, उनका वीडियो से कोई भड़के? आप लोग कोई तो नहीं भड़का, आप लग रहे भड़क गए बहुत ज्यादा। सलमान हजरी साहब खुद पुलिस स्टेशन के अंदर से खुद बोले, अगर आप लोग हमें मोहब्बत करते हमें प्यार करते तो आप लोग चले जाइए, अल्लाह ताला मेरे लिए जो बेहतर रखा है वही होगा। और यही होता है, और यही और आपको एक बात बता दे रहे, एक मिनट हम बोल दे, और यही होता है कि एक धर्मगुरु का पहचान, और बाकी का धर्मगुरु को जब लेके जाया जाता है रेपिस्ट बाबा राम रहीम, तो हेलीकॉप्टर लाने पड़ता भैया को, जब उनको कोर्ट के ऑर्डर के बाद जब जेल होता है तो दिल्ली हरियाणा यूपी में आग लग जाता है। तो ये फर्क है, तुम्हारे धर्मगुरु जाते हैं रेप करके और हमारे धर्मगुरु जाते हैं तुम्हें एक्सपोज करके। आज यति नरसिंहानंद को चैलेंज किया था ये मर्द मुजाहिद सलमान हजरी साहब कि तुम आओ, लेकिन नहीं आया था ये लोग, कभी नहीं आते ये लोग, लेकिन दिल्ली में पहुंच गए थे। और आपको बताता हूँ एक लड़का का नाम मैं आपको बता रहा हूँ, उसका नाम है सत्येंद्र सिवाल। जो सत्येंद्र सिवाल कौन है? इंडियन एम्बेसी के एम्प्लॉई है। आपको पता है उसको कौन अरेस्ट किया? एंटी टेररिस्ट को अरेस्ट किया फॉर व्हाट? ही शेयरिंग डेटा टू आईएसआई, पाकिस्तानी आईएसआई आतंकवादी। आतंकवादी कौन है? हु इज टेररिस्ट? आज मैं मीडिया उसको नहीं दिखाएगी, तो आप मतलब मजाक बना दिया यार। अब ताजमहल में जो उर्स होता है 500 कितना उर्स है, बोल रहा हम उर्स होने नहीं देंगे। तुम क्या करना चाहते हो? हमारा कोई अस्तित्व नहीं है, हम कुछ बोल भी नहीं सकते, अब तुमको बोलने से भी रोका जा रहा है।